तरसाने बॉर्डर टाउन लाहौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के फैसले पर डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। सानिया बॉर्डर टाउन लाहौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के फैसले पर डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास आज तलब किया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों से। जी जुबैर, अपडेट कीजिएगा। जी इनवार, बिल्कुल आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुनाया सानिया वार्डोर पर, तो सरबरा अवामी तहरीक डॉक्टर ताहिर उल कादरी ने इस पर सेंट्रल कोर कमेटी का इजलास तलब किया है। इजलास में अवामी तहरीक के वकील और मरकजी रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस दराए के मुताबिक इजलास में जो फैसला किया जाएगा उसमें ये फाइनल किया जाएगा कि शरीफ बरादरान का जो नाम है सानिया वार्डोर केस में उसको किसी हवाले से भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि फैसले के मुताबिक जो है शरीफ खानदान का नाम बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस अफसरान को जो है अभी तक मुलव्वस किया जा चुका है। इस हवाले से डॉक्टर ताहिर उल कादरी कैनेडा से बराह रास्त जो है कोर कमेटी के इजलास से खताब करेंगे वकला से और अपने रहनुमाओं से, और ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा शरीफ बरादरान के नाम को शामिल रखने के लिए जिस भी किस्म की कानूनी कार्रवाई होगी वो वकला करेंगे। जी बहुत शुक्रिया जुबैर साजिद ढिल्लों, हमें अपडेट कर रहे थे।